Bollywood actor Govinda, who along with producer Pahlaj Nihalani is facing difficulties to release their upcoming film Rangeela Raja after the Central Board of Film Certification refused to certify the film and ordered 20 cuts, says there is a group of people from the film industry conspiring against him. During a press conference on Saturday night, Govinda told media, "अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हो, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नजर आई गोविंदा, ये रिलीज कैसे नहीं हुई। ही फादर एरन, अब ये हद हो गई कि सेंसर की डेट पहलाज जी की फिल्म को मिली ही नहीं, ये तो हद हो गई। अब ये सोचने का विषय है, एक आदमी सह सकता है 2, 4, 3, 4, 5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूँ किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घातपात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूँगा। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। The producer has moved to the Bombay High Court to seek justice against the decision of CBFC. Nihalani, who was also present there at the press conference, lashed out on the current chairman of CBFC and said ace Prasoon Joshi intentionally did not watch the film on time to certify the film. The conference was also attended by actor Shakti Kapoor and actress Mishika Chaurasia, who are part of the film. IANS report.